हेलो दोस्तों, मैं हूं हरदीप सिंह और मैं आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं पहली बार हिंदी में ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दें और मुझे माफ़ कर दें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक हमारे पास टूल पाया है वेंडिंग करने के लिए, उसके वीडियो में बनाऊँगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। कम्प्लीट प्रोसेस जो होता है वीडियो में वो बताऊंगा। और वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आने वाली वीडियो में और अच्छी तरह से बोल सकूं और अच्छी तरह से वीडियो को पेश कर सकूं आपके सामने। तो ये करते हैं वीडियो शुरू। तो ये है जी हमारे पास टुल्लू पंप। सबसे पहले मैं इसकी आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। बेसिक जानकारी इसकी कोर के बारे में हम बात करें तो इसकी कोर है 6 सेंटीमीटर। स्टेटर की लेंथ, इस तरह लेंथ की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर है। और जो गुलाई में बात करें, इस तरह गुलाई में बात करें तो 10.5 साढ़े 10 सेंटीमीटर है। आधा एच पी का यह टुल्लू पंप है। और इसकी एक ख़ास बात है, ये है कि इसमें 15 MFD का कैपेसिटर यूज होता है। 15 MFD का कैपेसिटर क्यों यूज होता है? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में 28 नंबर की वायर का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी कारण 28 नंबर थोड़ा बारीक नंबर है, पतला नंबर है और उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, इसलिए स्टार्ट करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। 10 MFD कैपेसिटर लगाएंगे तो इसलिए 15 MFD का कैपेसिटर लगाया गया है। मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, जैसे किसी को समझ ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके तार नंबर की बात करें तो रनिंग में इसका 24 नंबर तार आएगा और स्टार्टिंग में 28 नंबर तार आएगा। टर्न की हम बात करें तो इसमें रनिंग में 70, 72 और 72 और स्टार्टिंग में 100, 105, 105। इसकी पिच की बात करें तो 8, 10 और 12 इसकी पिच हैं, स्टार्टिंग भी और रनिंग भी। तो वीडियो करते हैं शुरू, इसकी बैंडिंग बनाने शुरू करते हैं। और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दिखाते हैं आपको वीडियो बना के बैंडिंग करके। सबसे पहले इसकी पेपर डालेंगे, फिर कोयल बनाएंगे और फिर इसमें डालेंगे। सारा प्रोसेसर आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो देखते रहें वीडियो, करते हैं ये शुरू। ये देखिए जी, हमने एक रनिंग का कोयल बना लिया है। 3 का ये सेट है, 8, 10, 12 बीच में ही आएगा। चलिए जी फिर करते हैं जी फिर वीडियो शुरू, सेट डाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने एक तरफ कोयल डाल दिया है। अब 6 स्लॉट बीच में छोड़ के 8वें में डालेंगे और फिर डालने के बाद आपको मिलते हैं जी, दिखाते हैं कैसा व्यू आता है। बड़ी आसानी से कोयल चले जाते हैं। अगर आसानी से ना जाए तो आप किसी लकड़ी की मदद से या मैं स्केल की मदद से इसमें डालता हूँ, तो देखते हैं फिर आगे, बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए जी, हमने पहला कोयल डाल दिया है। ये देखिए मोटर के अंदर बहुत अच्छी तरह से डाल चुका है। ये देखिए अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए, डालने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि स्लॉट इसके बहुत कम थे। इसी प्रकार अगला कोयल डालेंगे, वो भी आप देखेंगे। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये देखिए जी, इस तरह से हमने दूसरा कोयल डाल देना है। कोयल डालने का तरीका आप देख लीजिए, इस तरह दो उंगलियों की सहायता से ही कोयल बीच में चला जाएगा आसानी से। स्केल की मदद से हम तारों के ऊपर से धीरे धीरे ऊपर लगाना है, तार अपने आप स्लॉट में चली जाएगी।
उसके बाद इसके ऊपर 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगाना ज़रूरी है। हर एक कवैल के बाद इसके ऊपर 7 नंबर का पीवीसी पेपर लग जाएगा। ये देखिए जी, पीवीसी पेपर अपना लग चुका है, आप देख सकते हैं। बॉडी को उल्टा कर देना है और दूसरी तरफ भी इस तरह से कवैल डाल देना है। इस तरह एक एक दो दो तारे करके ही डालनी है, ऐसे दो तारे उठा लेनी है, बीच में दबा देना है स्लॉट के और दोनों तरफ से दबाव लगा देना है ऐसे, ताकि तारें आसानी से स्लॉट में चली जाएं। बारीक स्लॉट है इसके, इसलिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, बड़ी सावधानी से करना इसको। ये देखिए जी, रनिंग कवैल अपने डाल चुके हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, बिल्कुल कंपनी बैंडिंग की तरह ही है। ये देखिए, इसी तरह से हमने स्टार्टिंग कवैल भी इसमें डाल लेने हैं। इसी तरह से 8, 10 और 12 पिच बीच में रह जाएंगी। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 और 8, 10, 12 दो कवैल स्टार्टिंग की इसी तरह से डाल देने हैं। ये देखिए जी, हमारी मोटर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल स्टार्टिंग के रनिंग के कवैल डाल चुके हैं। अब इसकी फिनिशिंग करेंगे, पहले इस साइड फिर कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और फिनिश करके आपको दिखाते हैं कैसी दिखती है, फिर चला के भी आपको दिखाएँगे। ये देखिए, फ्रंट साइड देख सकते हैं आप। कनेक्शन की बात करें तो एंड के साथ एंड या स्टार्ट के साथ स्टार्ट जोड़ सकते हैं आप। उसकी वीडियो पूरा पर देखने के लिए मुझे कमेंट करें। तो चलिए इसे फिनिश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, मोटर हमारी वेंडिंग हो चुकी है, 4 लीडें बाहर आ चुकी हैं। ये दो रनिंग की हैं, ये दो स्टार्टिंग की हैं। ये देखिए, इतनी अच्छी तरह से फिनिश किया है। इसके पेपर भी नीचे बैठा लेने हैं आपने, जैसे मैंने ये देखिए नीचे बैठा लिए हैं इस पत्ती की मदद से। पेपर नीचे बैठाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी टाइट ज़्यादा है, तार पे दाब न लग जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान से कर देना। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो का यही करते हैं जी बंद। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये वीडियो आपको कैसी लगे ये भी मुझे कमेंट में बताएं। ओके जी, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।